कहते हैं कि बेईमानी से हासिल की गई सफलता एक रास्ते पर जाकर रुक जाती है। साल 2012 बाबा रामदेव का आंदोलन, साल 2014 मोदी का सत्ता में आना, साल 2018 बाबा रामदेव का शिखर पर पहुंचना और साल 2024 सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव के धंधे पर बुलडोजर चलना। जैसे केजरीवाल के ऊपर महिला जज स्वर्णकांता शर्मा भड़की थी, वैसे ही रामदेव की भी कोर्ट के भीतर बहुत भयंकर क्लास लगी। नरेंद्र मोदी से बाबा रामदेव ने अपना नाम जोड़कर खूब धंधा बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन साहब ये पब्लिक है, सब जानती है, और जो बच गया उसका हिसाब न्यायपालिका कर लेती है। तो सुनिए बाबा रामदेव के इस फजीहत की दिलचस्प कहानी। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कौन से दस्तावेज मिले हैं जिसके आधार पर अरबपति बाबा रामदेव की कहानी खत्म हो सकती है। अगस्त 2022 में IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में लिखा गया था कि पतंजलि का विज्ञापन सही नहीं है। तब पतंजलि ने एक विज्ञापन दिया था जिसमें कहा गया था कि एलोपैथी फार्मा और मेडिकल उद्योग द्वारा गलत फहमियों से खुद को और देश को बचाएं। बाबा रामदेव ने एलोपैथी को बेवकूफ और दिवालिया विज्ञान कहा था। कोरोना की अपनी दवाई भी निकाली थी। उन्होंने दावा किया था कि एलोपैथिक दवा कोविड-19 से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार है। IMA ने दावा किया कि पतंजलि के कारण भी लोग वैक्सीन लगवाने से हिचकिचा रहे थे। मामला इतना छोटा नहीं है कि जितना छोटा आप इस कहानी में सुन रहे हैं। बाबा रामदेव के काम करने के तरीकों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी की मैगी के बदले बाबा रामदेव का देसी नूडल पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। इस बात के कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि पतंजलि के टूथपेस्ट को लेकर एम्स ने एक बार रिसर्च की थी और बहुत ही खतरनाक नतीजे निकले थे। इससे भी हैरानी की बात यह है कि वो रिसर्च कभी बाहर नहीं आई। अब आप खुद तय करिए, आपने भी तो पतंजलि का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होगा। क्या जैसे विज्ञापन में आयुर्वेदिक केमिकल मुफ्त प्रोडक्ट देने का वादा पतंजलि करती है, क्या प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही होता है? आपकी नजर शायद नहीं गई होगी, हम आपको दिखाते हैं। साल 2022 में पतंजलि के गाय के घी में मिलावट सामने आई थी। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसका सैंपल टेस्ट किया तो पता चला कि इसमें सिर्फ मिलावट ही नहीं है बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यहाँ तक कि BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह बाबा रामदेव को मिलावट खोरों का राजा बताते हैं और इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की बात कह चुके हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है इसे भी समझना होगा। बाबा रामदेव जिस केस में फंसे हैं उसकी पहली सुनवाई 21 नवंबर 2023 को हुई थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने मौखिक रूप से पतंजलि को ये दावा करने के लिए चेतावनी दी कि उनके उत्पाद बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक उत्पाद पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की धमकी दी थी। पतंजलि का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पुरवैया ने कोर्ट से कहा था कि किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। 15 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट को झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के निरंतर प्रकाशन के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति अमानुल्लाह को संबोधित एक गुमनाम पत्र मिला। इस पर ध्यान देते हुए 27 फरवरी को जस्टिस हेमा कोहली और असदुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके MD आचार्य बालकृष्ण को पहले के आदेशों का उल्लंघन करने और कंपनी के उत्पादों के साथ बीमारियों के इलाज के बारे में भ्रामक दावों का प्रचार जारी रखने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया। लेकिन बाबा रामदेव ने न तो जवाब दिया न कोर्ट में आए। नतीजा, जज साहब भड़क उठे। फिर 9 अप्रैल 2024 बाबा रामदेव को कोर्ट में जाना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।